हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे होम साइंस का सब्जेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन 30 प्रकार के यौगिकों का सम्मिश्रण होता है, तो यह कथन जो है गलत है। मानव शरीर में 20% भार प्रोटीन का होता है, तो ये कथन जो है सही है। तो केवल जो यहाँ पे बताना था सही है कौन सा कथन, तो केवल जो दो है वो सही है। और जो मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और 10 प्रकार का जो प्रोटीन है वो हमारा शरीर जो है स्वयं निर्माण करता है, और 10 प्रकार का जो प्रोटीन होता है उसे हमें अलग से भोजन के माध्यम से जो है प्राप्त करना होता है। तो टोटल कितने हो गए, तो 20 प्रकार के प्रोटीन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होने वाले रोग क्वाशरकर का नहीं है। तो बच्चों के बाल झड़ना या भूरे सफेद हो जाना, ये क्वाशरकर का जो है सिम्टम्स है। फिर है बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाना, ये भी है। थर्ड है अतिसार होना, ये भी है। जबकि खून की कमी का हो जाना, ये इसके अंतर्गत नहीं है, क्योंकि खून की कमी जो है विटामिन B12 की कमी से या फोलेट की कमी से होती है। तो यहां पर पूछ रहा था कि कौन सा लक्षण क्वाशरकर का नहीं है, तो इसका आंसर होगा D, क्योंकि यहां पर पूछा है कि कौन सा लक्षण नहीं है, तो खून की कमी विटामिन B12 और फोलेट की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कुपोषण की समस्या का प्रमुख कारण है, तो शरीर में जो भारत में कुपोषण की समस्या का जो प्रमुख कारण होता है भारत में, वो है गरीबी, पिछड़ापन व रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास। तो ये दोनों ही कारण आएंगे, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है सुमेलित करना है कि किसकी कमी, किस पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशरकर होता है, अस्थि विकृत या बोन मैरो वाली जो दिक्कतें आती है वो किससे आती, कैल्शियम से। तो अस्थि जो है हमेशा संबंधित होगी कैल्शियम से। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका आंसर है बी, बी नहीं ए का पहला जिसमें हो, हाँ क्वाशरकर प्रोटीन है, और बी का ये है 3 है, और सी का ये वाला है। वैसे आप यहाँ समझ गए होंगे, प्रोटीन का क्वाशरकर है, अस्थि का कैल्शियम है, रतौंधी विटामिन ए है, स्कर्वी विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कुपोषण से संबंधित नहीं है। तो कुपोषण से संबंधित जो रोग है वो हैजा जो है वो कुपोषण से संबंधित रोग नहीं है, जबकि रक्त अल्पता, अस्थि विकृत व मैरस्मस ये रोग जो है कुपोषण से संबंधित होता है। और हैजा कैसा रोग है, हैजा जो है वो भोजन के माध्यम से और जल के माध्यम से फैलता है, और इस जीवाणु का क्या नाम होता है, जीवाणु का नाम जो होता है हैजा का वो होता है विब्रियो कॉलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण दूर करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत के सुझाव पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक ढंग से खेती तथा उत्पादन में वृद्धि करना, ये भी सही है। गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाए, ये भी सही है। पोषण के क्षेत्र में प्रोग्राम और प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाए, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर बताना था कि कौन सा कथन सही है, तो ये सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बी वर्ग के विटामिनों की गर्भावस्था में गर्भिणी को विशेष रूप से आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, थायमिन की भी आवश्यकता होती है, राइबोफ्लोविन की भी आवश्यकता होती है, और निकोटिनिक अम्ल की भी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री के आहार में विटामिन ए की जरूरत निम्नलिखित कारणों से होती है। तो किस कारणों से होती है विटामिन ए की जरूरत, तो ये ऊर्जा प्राप्त करने की रासायनिक प्रक्रिया में सहायक होते हैं, तो यह कथन तो गलत है। गर्भवती स्त्री तथा भ्रूण की शारीरिक वृद्धि हेतु, तो ये कथन सही है। शिशु के अस्थि पंजर को सुडोल बनाने के लिए, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सेकंड और थर्ड जो लाइन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी सब्जियां, साग भाजी या जड़दार सब्जियां, सूखे मेवे, शर्करा और वसा हमारे शरीर को आकर्षण एवं शक्ति प्रदान करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौशरकर बच्चों में पर्याप्त प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है। फिर है, इसमें बच्चों की आंखों में पीलापन आ जाता है तथा उसमें चिड़चिड़ेपन का स्वभाव विकसित हो जाता है। तो ये गलत है, कौशरकर बच्चे में पर्याप्त प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। तो ये आंसर यहाँ पर ए वाला कथन सही है। तो यहाँ पर ए, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त अल्पता शरीर में विटामिन की कमी से होता है। तो ये कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि रक्त अल्पता शरीर में जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। और फिर ये है, यहाँ पर पूछा है क्या बताना है, यहाँ पे सही है, कौन सा कथन सही बताना है। तो इस बीमारी में लाल रक्त कण का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे खून की कमी हो जाती है। तो ये कथन सही है। तो इसका आंसर हो गया बी, केवल सेकंड सही है और फर्स्ट जो लाइन वो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने दिनों तक कम से कम समय माँ के बच्चों को दूध अवश्य पिलाना चाहिए। माँ को जो है बच्चों को दूध जो है 6 माह तक या 6 मंथ तक जो है पिलाना चाहिए। बच्चे के बच्चा जब 6 मंथ का हो तब तक पिलाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है दूध में प्रोटीन की मात्रा किसके दूध में सबसे ज्यादा होती है। तो वो होती है बकरी के जो दूध होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है सबसे ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के दूध में किसका दूध शिशुओं के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो शिशु के लिए जो सर्वोत्तम दूध जो है माना जाता है वो होता है गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तहीनता स्कर्वी बेरीबेरी आदि रोग दूर करने के लिए हमें करना चाहिए क्या करना चाहिए। हमें उपयुक्त पोषण युक्त भोजन लेना चाहिए। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के भोज्य पदार्थों में किसे हम रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं। तो जो विटामिन होते हैं और खनिज लवण जो होते हैं उन्हें हम रक्षात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ावस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें महत्वपूर्ण अवस्था प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था है आहार की दृष्टि से। यह एक ऐसा आयु वर्ग है जिसमें पहुंचकर व्यक्ति को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका आंसर है सी, 1 और 2 यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट कंप्लीट हुए। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप ब्यूटी क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सॉल्व कराएंगे। तो आप वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।